कलयुग के देवता बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड सरल और सटीक माध्यम है। सुंदरकांड रामचरितमानस का एक अध्याय है जिसे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। इसका नियमित रूप से पाठ करने से बुराइयों को दूर करने, मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है और यह सुख और समृद्धि के साथ श्रेष्ठ बनती है। सुंदरकांड एक ऐसा पाठ है जिसमें काम के सफल होने की का वर्णन है जो भक्त द्वारा संपन्न होता है। भगवान हनुमान ने समुद्र पार किया और सीता माता को खोजने के लिए लंका की यात्रा के दौरान बाधाओं से बचे। भगवान हनुमान सीता के बारे में जानकारी जुटाने के अपने कार्य में सफल रहते, इसलिए इस अध्याय में भगवान हनुमान के ज्ञान और शक्ति का भी वर्णन किया गया है। सुंदरकांड में भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल चिद्र ना भव्य, जिसका अर्थ है कि स्वयं की तरह भगवान भी उन भक्तों को पसंद करते हैं जिनके पास शुद्ध मन और महान विचार हैं। सुंदरकांड पाठ को करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि व्यक्ति को अपने कार्यों को करने की शक्ति और दृढ़ संकल्प मिलता है। यह आपको अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद कर सकता है, आपकी इच्छाओं को अनुदान दे सकता है और आपकी प्रतिकूल ग्रहों की स्थिति के प्रभाव से बचा सकता है। प्रतिदिन दिए गए श्लोक का पाठ करने से आप अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। सुंदरकांड के पाठ करने के क्या नियम हैं? सुंदरकांड का रोज पाठ करना हर प्रकार से लाभदायक होता है। इसके अनंत लाभ हैं, लेकिन यह पाठ तभी फलदायी होता है जब निर्धारित विधि विधानों का पालन किया जाए। सुंदरकांड का पाठ करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पाठ स्नान और स्वच्छ वस्त्र धारण करके करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ सुबह या शाम के 4 बजे के बाद करें, दोपहर में 12 बजे के बाद पाठ ना करें। पाठ करने से पहले चौकी पर हनुमान जी की फ़ोटो अथवा मूर्ति रखें, घी का दिया जलाएं, भोग के लिए फल गुड़ चना लड्डू या कोई भी मिष्ठान अर्पित करें। पाठ के बीच में ना उठें, ना ही किसी से बोलें। सुंदरकांड प्रारंभ करने के पहले हनुमान जी व भगवान रामचंद्र जी का आवाहन ज़रूर करें। जब सुंदरकांड समाप्त हो जाए तो भगवान को भोग लगाकर आरती करें, तत्पश्चात उनकी विदाई भी करें। 21 दिन तक अगर आप लगातार सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आइए थोड़ी इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। सुंदरकांड का लगातार 21 दिन पाठ करने के नियम हैं। सुंदरकांड का पाठ अपनी इच्छा अनुसार 11, 21, 31 या 41 दिन तक भी कर सकते हैं और सबके नियम समान हैं। सबसे पहले हनुमान जी की प्रतिमा अपने सामने स्थापित करें। आप भी किसी शुद्ध आसन पर बैठ जाएं तथा स्नान आदि करने के बाद ही यह कार्य शुरू करें। हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करने के पश्चात शुद्ध घी का दीपक जलाएं तथा हनुमान जी के चरणों में 7 पीपल के पत्ते अर्पित करें। हनुमान जी को घी का दीपक जलाने के पश्चात सुंदरकांड का पाठ करें तथा लड्डू का भोग लगाएं। इसके पश्चात पीपल के पत्तों की माला बनाकर आपके आसपास के किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर माला चढ़ा दें। यह कार्य आपको प्रतिदिन करना है। जब आपका अनुष्ठान पूर्ण हो जाए इसके पश्चात हवन आदि जरूर करवाएं। 21 दिन तक करनी है, इसमें एक भी दिन त्रुटि नहीं होनी चाहिए। सुंदरकांड के पाठ के साथ अगर आप हनुमान चालीसा भी करते हैं इससे आपको धन की प्राप्ति होगी। आइए अब जानते हैं सुंदरकांड का पाठ करने के क्या लाभ हैं। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो आप संकल्प लेकर लगातार सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड पाठ से एक नहीं बल्कि अनेक सैकड़ों समस्याओं का समाधान तुरंत मिलने लगता है। श्री रामचरितमानस को रचने वाले गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार हनुमान जी को जल्द प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ एक रामबाण उपाय है। सुंदरकांड पाठ करने वाले के जीवन में खुशियों का संसार होता है और आपका जीवन सुखमय होता है। सुंदरकांड करने वाले व्यक्ति के अंदर सकारात्मक और विचारात्मक ऊर्जा का
संचार होने लगता है। वह व्यक्ति किसी भी कार्य में अपनी रुचि दिखाता है तो उसमें सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति के मन में जो भय रहता है वो भी चला जाता है और आत्मविश्वास व इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है। साप्ताहिक पाठ करने से गृह कलेश दूर होता है और परिवार में खुशियाँ बढ़ती है। नियमित पाठ करने से कर्ज और रोग से छुटकारा मिलता है। हनुमान जी की भक्ति करने से और नियमित सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता से आगे बढ़ता है। तो बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। तो कैसी लगी ये आपको जानकारी? अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर करें और नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।